कोरोना वायरस अब दिन पे दिन अपना रूप बदलता जा रहा है। अब इसने एक बार फिर अपना नया खतरनाक रूप लेकर मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत में कुछ समय पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए थे, लेकिन अब एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे हैं कि इसका नया वेरिएंट, जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है, ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वेरिएंट को AY1 नाम भी दिया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी कुछ बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि यह संक्रमण के इलाज में प्रस्तावित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात दे सकता है। पिछले शुक्रवार तक अपडेट किए गए कोरोना वेरिएंट पर अपनी नई रिपोर्ट में भारत ने 7 जून तक डेल्टा प्लस के 6 मामले दर्ज किए थे। UK सरकार के हेल्थ एंड सोशल केयर डिपार्टमेंट की एक कार्यकारी एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अनुसार 63 जीनोम डेल्टा के साथ नए म्यूटेशन K417N का पता चला है। इसकी पहचान वैश्विक विज्ञान पहल GISAID की तरफ से की गई है। पिछले शुक्रवार तक अपडेट किए गए COVID-19 वेरिएंट पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत ने 7 जून तक डेल्टा प्लस के 6 मामले दर्ज किए थे। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा AY.1 नए वेरिएंट का पता डेल्टा वेरिएंट के रेगुलर स्कैनिंग के जरिए चला है। रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत कम संख्या में इस वेरिएंट ने स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन K417N हासिल कर लिया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह का सीक्वेंस इससे पहले मार्च के अंत में यूरोप में पाया गया था।